बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 38। तो इसमें हमने पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली हमारे पास टू मेथड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड, जैसे आप अब लिखते हो, जैसे अभी आपके फर्स्ट रोल नंबर के 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स ऐसे लिखते चले गए आप, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, इसने 30 स्टूडेंट्स के जो वो मार्क्स हैं टेस्ट में वो एज इट इज़ 39, 25, 5, 35, 33 ऐसे। दूसरा क्या है, ग्रुप बना के, इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अनग्रुप्ड। अब दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता है, ग्रुपिंग। दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता है, ग्रुप बना के। तो ग्रुप में क्या करना है, जैसे 1 से 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। 5 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के, दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा। ओके, क्लियर। तो डाटा को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास, ग्रुपिंग और अन ग्रुपिंग। क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने ये बोला द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज, देन रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और विच इज़ मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ रेयरेस्ट एंड ब्लड ग्रुप अमंग दी स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखना बेटा, जो भी इसने बोला है यहाँ पे, सबसे पहले जैसे ये टेबल बनाई हुई है ना, आपको ऐसी ही टेबल बनानी है। फ़र्क सिर्फ कितना है, जो आपका ऊपर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप। सबसे पहले देखो ध्यान से, और यहाँ पे आपका टैली मार्क्स ही चलेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर। तो सबसे पहले कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए। ए चेक करो कितनों का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने स्टूडेंट्स का है, 9। 9, 9 को कैसे लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी। बी चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी, ये यहीं तक जाएगा और फिर ये अलग से वन रहेगा, ठीक है। दोबारा लिख देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, then 6, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, ओ ब्लड ग्रुप। ओ देखो कितनों के पास है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 टाइम है तो लिखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप हमारे पास कितने कितने बच्चों का, देखो ध्यान से, 1, 2, 3, ओनली 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ओनली 3 स्टूडेंट्स, सो 1, 2, 3। क्लियर है सबको। तो ये था आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऐसे आप लिखोगे, क्लियर है। ये थी आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब उसने क्वेश्चन ये पूछा है, विच इज़ मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन का मतलब क्या, जो सबसे ज़्यादा, मोस्ट कॉमन उसका मतलब क्या, सबसे ज़्यादा। अब इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ, तो आंसर आ जाएगा ओ। उसके बाद क्या है, रेयरेस्ट। रेयरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे कम है, जो सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम। यहाँ पे ई नहीं, ए नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो सबसे कम कौन सा है बेटा, ए बी, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए बी। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमें क्या दे रखा है, इसने बोला फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है, 40 फैमिलीज़ के। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दो दो बनेंगे ना आपके पास यहाँ पे, इसको हटा के यहाँ क्या लिखोगे, नंबर
ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सबसे पहले वन, वन कितनों के पास है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो वन कितनों के पास है, नाइन के पास। तो यहाँ आ गया वन, यहाँ आ गया नाइन। नाइन को कैसे लिखोगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ओके, अब उससे पहले एक ज़ीरो भी था, ज़ीरो देखो कितनों का है, यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव का, तो यहाँ आ गया फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, कितनों का बेटा, फिफ्टीन। तो टू कितनों के पास है, फिफ्टीन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। उसके बाद है थ्री चिल्ड्रंस, थ्री कितनों के पास है देख लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, कितनों के पास है, फाइव। ठीक है, फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, फोर कितनों के पास है, वन टू थ्री फोर फाइव देन सिक्स, कितनों के पास है, सिक्स। तो यहाँ कितना आ गया, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। क्लियर, तो ये थी आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 30, वर्कशीट नंबर 38। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ यू लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच।